दशहरा, दीपावली, छठ सहित अन्य त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने तथा लोगों में सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए शुक्रवार को SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता, SPCT डॉक्टर कौस्तुभ, CEO गोरखनाथ परवीर कुमार सिंह के नेतृत्व में घुड़सवार, रैपिड एक्शन फोर्स, महिला पुलिस के साथ गोरखनाथ मंदिर पैदल गश्त निकाला, जो गोरखनाथ मंदिर से रसूलपुर होते हुए मानसरोवर रामलीला मैदान के पास मानसरोवर मंदिर पहुंचा। उसके बाद फोर्स पुनः गोरखनाथ मंदिर में वापस आ गई। इस दौरान SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता एवं SPCT डॉक्टर कौस्तुभ ने गोरखनाथ मंदिर से लाइन तक घुड़सवारी का सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, आ जाओ, लग जाओ। मंदिर में जाना है।
लूटमार है कि रूट्स हम देखते हैं कहाँ कहाँ जुलूस निकल रहे हैं, कहाँ कहाँ हैं। और दशहरा, नवमी, अष्टमी, विसर्जन, 3-4 दिन बहुत महत्वपूर्ण है पुलिस के लिए। और हमारे पास बाहर से फोर्सेज आती हैं, उनको भी सड़क दिखाना, एरिया दिखाना, डोमिनेशन करना, ये सब बहुत सारी एक्सरसाइज होती है। उसी के तहत आज जो एक प्राइम लोकेशन है जो हमारी रामलीला है, जहाँ पर तिवारीपुर की और मेन गोरखनाथ क्षेत्र की जहाँ पर VIP का आगमन होता है, वहाँ पर एक रूट मार्च निकाला गया है। और सभी चीज़ें शाम के समय भी चेक की जा रही हैं, लोगों में क्या है, किराएदारी कितने लोग हैं, हाई राइज क्या हैं, शादी वर्दी में तैनाती, ड्रोन कैमरे से निगरानी, सभी कुछ इसमें व्यवस्था रखी जा रही है। और जिस प्रकार पहले भी सभी तरह के त्यौहार अच्छे से निकले हैं, मैं गोरखपुर के लोगों से यही अपील करता हूं कि जैसे पहले भी उन्होंने भाईचारे और अच्छे से त्यौहार मनाए हैं, ये आगे आने वाले भी सभी त्यौहार बहुत अच्छे से हम लोग मनाएंगे। पुलिस अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेगी किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में। नहीं, इधर बंद है, कल से पंडालों के कपाट खुल जाते हैं पंचमी से और छठवीं से, और 3-4 दिन के लिए बहुत भीड़ होती है। मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि कहीं भी कोई संदिग्ध व्यक्ति वस्तु दिखाई दे तुरंत 100 नंबर मिलाएं या पुलिस को तुरंत बताएं, और भाईचारे और प्यार के साथ जो है ये त्यौहार मनाएं।